झज्जर पहुंचे कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने बीजेपी के लिए कहे जा रहे अपशब्दों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि वाणी और विचार ही लोकतंत्र के मजबूत हथियार होते हैं। अगर यही वाणी और विचारों की मर्यादा भंग हो जाए तो फिर समाज ऐसे नेताओं को नकारना शुरू कर देता है। धनखड़ ने कहा कि मर्यादाहीन होने से ही विपक्ष की इस तरह की दुर्गति हुई है और कांग्रेस लगातार हर राज्य में सिकुड़ती जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने पर धनखड़ ने तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि तंवर के इस बयान से लगता है कि उन पर बीजेपी के पक्ष में बने माहौल का गहरा प्रभाव पड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने अपना ही तोड़ सिकुड़ गई, मर्यादा हीन भाषा से ही जो है बाकी दल सिकुड़ रहे हैं। वो तो उन्होंने देखना है कि मर्यादा में रहना, लोग मर्यादा को पसंद करते हैं। मर्यादा हीनता जब जब भी होती है किसी की भी वाणी से हो लोग उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ तो लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में तो आपकी वाणी ही सब कुछ है। यहाँ कोई तलवारें थोड़ी चलाई जाती है, लोकतंत्र का हथियार तलवार नहीं, लोकतंत्र का हथियार आपका विचार है, लोकतंत्र का हथियार आपकी बोली है। और वो बोली जब मर्यादाहीन होने लगती है तो फिर समाज उसको नकारने लगता है। निजी मामला है, वैसे तो मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वातावरण का प्रभाव भी सबके मन पर आता है।